मत बांधो आगे बैठा क्रूज कर लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बैठो क्रूज कर लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। सब मिलकर प्यारो हिम्मत बांधो आगे बैठो क्रूज कर लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बैठो क्रूज कर लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। तो सचमुच हमें हमेशा ये होना चाहिए हिम्मत हिम्मत हिम्मत। अच्छा, अभी हम पवित्रात्मा का वरदान के बारे में, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 12वां अध्याय में, अभी हम समय ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में सोचकर हम प्रार्थना करेगा। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 12, ये 12, 13, 14 तीन कैपिटल, तीन चैप्टर पवित्रात्मा के वरदानों के बारे में है। और सबसे पहला पद संख्या 1 लिखा है, भाइयों हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में निश्चित जानकारी हो। पहले कुरिन्थियों के नाम पत्र 12 पहला वचन खास करके समझना चाहिए, भाइयों हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में निश्चित जानकारी हो। एक जानकारी होना चाहिए। हम लोग शुरू में एक बात सीखा है कि एक कारपेंडर एक टेबल बनाने के लिए आया तो उसके हाथ में क्या होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। लेकिन हथियार होने से होगा क्या, वो कैसे उपयोग करना सीखना चाहिए ना। हथियार होने से सिर्फ होगा क्या, आजकल बहुत बहुत इलेक्ट्रिक हथियार है, बहुत बड़ा बड़ा हथियार मिलता है। तो ये ईश्वर का वरदान सुसमाचार का घोषणा के लिए जो हथियार है, लेकिन वो हथियार कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसका बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि हर एक व्यक्ति को, आप में से हर एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा कहीं किसी किसी का वरदान दिया हुआ है, ये आपको जानना चाहिए। सो इसमें एक जानकारी, निश्चित जानकारी होना चाहिए। इसका मतलब बेटी थोड़ा पानी लेना, मतलब पानी ले क्या, जानकारी होना चाहिए। इसका मतलब दो किस्म का जानकारी है। एक जानकारी यही है कि हर एक व्यक्ति पर प्रभु ने एक किस्म किस्म का वरदान दिया है। तो आप में कौन सा खास वरदान है करके जानकारी होना चाहिए। किसी को अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान है, किसी को दर्शन मिलने का वरदान है, किसी को प्रवचन देने का वरदान है, किसी को चंगाई देने का वरदान है, किसी को चमत्कार के द्वारा चंगाई होने का वरदान है, किसीम किसी का वरदान है। थैंक यू। ये
ये 12वां अध्याय में 7वां वचन पर लिखा है, 7वां वचन पर लिखा है, यह प्रत्येक को, देखो वह प्रत्येक को वरदान देता है, प्रत्येक को। कलेसिया में हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति, जो हम लोग जानते हैं कि बहुत से संत लोगों में, जैसा कि संत, एक संत का, संत कैथरीन ऑफ सियना, डॉक्टर ऑफ द चर्च है, डॉक्टर ऑफ द चर्च, लेकिन वो लिखा पढ़ा नहीं है, वो लिखा पढ़ा नहीं है, उनको लिखना और पढ़ने नहीं जानता है। सोचो, वो उनका परिवार में 25 बच्चा है, उसमें 25 का एक माइनस 24th लड़की है, एक उनके परिवार में 25 बच्चे हैं, उसमें 24 को क्या बोलता है, 24 है ना, 24वां लड़की है, और 16 साल पर वो कॉन्वेंट पर आई, लेकिन उनको लिखा पढ़ा नहीं मालूम है और पढ़ा भी नहीं, और उन प्रभु ने उनसे बातचीत करता है तो किसी को बोलता, देखो लिखो लिखो लिखो, प्रभु ऐसा ये बोलता है, तब दूसरे लोगों ने लिखा है। जहां तक प्रभु ने कहा तुम संत पापा को, पोप को ऐसा एक मैसेज दे दो, अरे संत पापा को मैसेज देने के लिए ये अनपढ़ लड़की से बोलता है प्रभु, लेकिन वो बोला है, एक दूसरा सिस्टर को बुला के देखो लिखो लिखो, देखो प्रभु ने कहता है संत पापा को ये मैसेज देने के लिए, आप लिखिए क्या लिखना है, संत पापा कहता है कि, प्रभु कहता है कि संत पापा को आप फ्रांस में नहीं रहना है, आपका रहना है रोम में, जहां पर बहुत सारे संतों का खून भरा है, ईसाइयों का, वहां पर आपको रहना है, इसलिए आप यहां छोड़कर रोम पर जाना चाहिए, ऐसा प्रभु का संदेश है, ये लिख के दिया। और संत पापा ने तुरंत वहां से पूरा छोड़कर रोम चले गया, इसलिए अभी रोम कलेसिया का हेड ऑफिस बन गया। देखो प्रभु का कार्य, देखो मैं ये इसलिए बोलता है कि आप ये मत सोचो, ओ मैं कौन है, मैं तो कुछ, मैं एक दुर्बल है, मैं कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, मुझे कुछ ताकत नहीं है, ये सब मत सोचो। हर एक व्यक्ति को, देखो 12:12:7, वह प्रत्येक को वरदान देता है, प्रत्येक को। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हर एक व्यक्ति में क्या वरदान है, यह जानना, कैसे जानेगा, ये जो सुबह मैं व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में बोला ना, वो जो व्यक्तिगत प्रार्थना के दौरान प्रभु को हम आराधना करते वक्त, हमारे आंतरिक चंगाई होते वक्त, हमें पवित्र प्रभु पवित्र करते वक्त प्रभु हमसे बातचीत करेगा, प्रभु आपसे बातचीत करने लगेगा, तब प्रभु स्वयं करेगा। देखो बेटा बेटी, मैं तुमको ये सब वरदान दिया है, तुम ये करो, ये करना चाहिए, मैं करना चाहिए। देखो संत जोन ऑफ आर्क, और एक बहुत छोटी लड़की थी, 15 साल की लड़की थी, और जोन ऑफ आर्क को प्रभु बोलता है कि तुम फ्रांस का राजा को जाके बोलो लड़ाई करना चाहिए, और मैं जोन ऑफ आर्क वो लड़ाई को संचालन करेगा। ये छोटी लड़की लड़ाई करने के लिए उनका कैप्टन को मार्गदर्शन से, लेकिन आखिरी में उसको बोलना पड़ा और राजा को मानना पड़ा, और फ्रांस युद्ध किया, और एक जोन ऑफ आर्क, एक लड़की
एक जवान जैसा ड्रेस किया और घोड़ा के ऊपर चढ़कर पूरा आर्मी को लीड किया और जीत गया। एक 15 साल की लड़की। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तो मैंने कहने का मतलब है कि प्रभु ने हम साधारण लोग से बहुत बड़ा काम कर सकता है, ये उसका ऐसा है। लेकिन वो काम इसलिए करता है कि वरदान देता है। अभी आपको मालूम होना चाहिए, YouTube में हमारे ये चैनल में 30,000 वीडियो है हमारा बनाया हुआ, 30,000 वीडियो। सब कुछ मैं ही करता है, दूसरा कैमरामैन कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे अपने आप करता है। और दूसरा ये कि एनिमेशन फिल्म जीसस वंडर बोल के एक एनिमेशन फिल्म है, वो मेरा मुझसे बनाया है प्रभु ने, समाचार के प्रभु यीशु का सब कुछ चमत्कार का एनिमेशन फिल्म बनाया है। लोग ये देखता है तो वो लोग सोचता कि वो कोई अमेरिका में कोई कंपनी बनाया, नहीं, वो एक साधारण व्यक्ति थॉमस पॉल और उसका टीम ने बनाया है। आज कलेसिया में नहीं तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कलेसिया में दूसरा कोई उतना एनिमेशन फिल्म नहीं बनाया। अभी 18 साल से हम वो काम कर रहे हैं, ज्यादा किसी को मालूम नहीं है ये बात। लाखों लोग ने वो देखता है और बच्चा लोग उसके लिए फायदा उठाता है। मैं ये कहने का मतलब है कि तो प्रभु ने हमें ऐसा एक वरदान दिया है कि स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म बनाने का वरदान। मैं सब कुछ प्रभु से पूछता है, कैसे करना है, इसको कैसे लिखना है, वो क्या है, वो सब प्रभु मुझे बताता है दर्शन के द्वारा। और स्वर, मैं स्वर प्रभु का स्वर सुनता है, मैं लिखता है, बस वही है। अच्छा, तो बोलने का मतलब यह है कि 12वां अध्याय में 7वां वचन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति पर एक वरदान दिया है। और जानना चाहिए कि ये वरदान में वरदान सब कैसे काम कर रहे हैं। तो यहां पर 9 वरदान के बारे में लिखा है, 7 के बाद पढ़ के देखिए, 12 अध्याय में 7 के बाद देखिए 8। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द प्रज्ञा के शब्द होता है। अच्छा, या एक बार ये पढ़ना चाहिए, प्रज्ञा के शब्द होता है। और किसी को प्रज्ञा के शब्द होता है, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द होता है, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है, वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं को व्याख्यान करने का वरदान देता है। तो ये सब वरदान प्रभु जब देता है तो अभी ठीक है। तो हमें
अभी देखो पवित्र आत्मा आपको दर्शन, दर्शन मतलब एक व्यक्ति के अंदर क्या तकलीफ है उसके बारे में एक ज्ञान देता है, ज्ञान वो एक वरदान है। लेकिन वो एक सिंबल मतलब एक चिन्ह के रूप में दिखाता है। वो चिन्ह मिलने से आपका बुद्धि से उसको समझने का कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरा वरदान है वो चिन्ह का अर्थ क्या है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार ऐसे ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पर सिस्टर लोग भी था, सो सिस्टर लोग के साथ एक लड़की बैठकर प्रार्थना करता है ये वरदान का। तो वो लड़की को जैसे एक आवाज सुना, पोटैटो 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 मतलब आलू आलू, तो वो हंसने लगा, सिस्टर जी मुझे मालूम नहीं है भाई ऐसा एक आवाज सुनता है पोटैटो आलू, तो उसको हंसी आने लगा क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा बोलेगा क्या पोटैटो आलू। लेकिन वो सुनते हुए सिस्टर जी बोलते हैं कि अरे वो तो बराबर है, वो तो बहुत सही है। हैं सही है, क्या बात है? अरे बेटी मैं प्रार्थना बिंदुवास के लिए एक हफ्ता बाहर आता है ना, तब मेरा जो कॉन्वेंट का जो किचन गर्ल है जो लड़की काम करते हैं ना, उसको कुछ काम होना चाहिए करके मैं एक 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 बैग आलू खरीद के रखा उसको बगीचे उसको उसको क्या बोलता है टू प्लांट उसको मिट्टी पर डालने के लिए, लेकिन मैं भूल गया उसको बोलने के लिए। और यहाँ पर रहते हुए मैं हमेशा ये सोचते रहता कि अरे वो आलू खरीद के रखा, लेकिन वो लड़की से पूछा नहीं क्या होगा अभी वापस जाते वक्त वो आलू खराब हो जाएगा, ये सोच सोच के बैठा है। इसीलिए तुमको पवित्र आत्मा ये आलू के बारे में बोले, इसके द्वारा मुझे पवित्र आत्मा ये बताना चाहिए छोड़ दो आलू को अभी यहाँ पर। समझ में आया पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे काम कर रहे हैं। एक दूसरे बात ऐसे हुआ, एक दोनों लेडीज प्रार्थना कर रहे थे, तो एक लेडी को ऐसा दर्शन मिला कि जो जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो मरा हुआ है और उसको दफनाने के लिए एक कफिन में लेटा हुआ है। ये दर्शन मिला तो वो बोला अच्छा हुआ आप ये बिंदुवास के लिए आया, तैयार होना चाहिए। उसका मतलब अरे जरूर हर लोग तो एक बार तो मरना है। उसका मतलब नहीं, मुझे तो आपका लाश एक कॉफिन में देखता है। नहीं, 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 मुझे अभी नहीं मरना चाहिए, मुझे बचा है, मुझे तीन बच्चा है, उन लोगों को छोड़ के मैं नहीं जाएगा। अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा करके चिल्लाने लगा। तब मैं दौड़ के गया, क्या हो गया क्या बात है? अरे इनको दर्शन में मिला है मेरा लाश यहाँ पर ऐसा पड़ा है, मैं मर जाएगा ऐसा बोलता है। देखो ये लाश देखा इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर जाएगा। पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए उसका मतलब क्या है। अरे वो तो पूछने का क्या, वो तो सीधा सीधा है, उसका लाश एक कॉफिन पर पड़ा है, उसमें अभी पूछने का क्या। हाँ यही हमारा, इसलिए पावलोस संत पावलोस का कहना है कि ये जो वरदानों के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसको कैसे उपयोग करना चाहिए। तो दोबारा आप पूछिए पवित्र आत्मा इसका मतलब क्या है, तो पवित्र आत्मा हमें बताएंगे, वो दूसरा वरदान है।
सो हमारे वरदान उपयोग करने में सबसे खास चीज है कि जो पहले जो दर्शन मिला वो तो एक चीज है, लेकिन उसका अर्थ हमारा बुद्धि के अनुसार नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ पवित्र आत्मा हमें देगा, वही होना चाहिए। तो मैंने कहा अभी मैं प्रार्थना करके पूछूंगा, हे पवित्र आत्मा, इनको ये दर्शन मिला है, इसका अर्थ क्या है? तो पवित्र आत्मा बोला, वो तो इनका पुराना जीवन है, उसका पुराना जीवन, उसका पुराना चले गया, ये तो अभी नया जीवन में है। हम लोग को कल वचन मिला है ना, जो प्रभु ईसा मसीह में है वो नई सृष्टि बना है। अभी तुम बिंदीवास के द्वारा तुम 3 दिवस यहाँ और बहुत सारा चीज सीखा, विश्वास नवीनीकरण हुआ, आप अच्छा पाप स्वीकार किया, आपका पुराना मनुष्य को कॉफिन में भेज दिया और आप अभी नया है। हो बहुत अच्छा है। तो मेरे बहने का बोलने का मतलब है कि वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान अभी आप में क्रियाशील होने लगेगा, आपको दर्शन मिलेगा। दर्शन मतलब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन पर क्या कहना चाहता है, क्या दुख तकलीफ है, नहीं तो क्या बलाई हुआ है, ये बताता है, लेकिन उसको पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसका व्याख्यान होना चाहिए। व्याख्यान लोगों को ये गलती हो जाता है, ये नहीं जानने से वो जो देखता है उसको अपना मन का विचार के साथ उनको व्याख्यान करता है, तो वो बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। ये सबसे बड़ा तकलीफ हमारा करिश्माई प्रार्थना में होता है। तो इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना हमेशा करते वक्त हमारे आंतरिक चंगाई के बाद हम पवित्र आत्मा का वरदानों के लिए प्रार्थना करते वक्त ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे ज्ञान दीजिए करके हमेशा प्रार्थना करते रहो, तभी जो दर्शन मिलेगा उसका अर्थ पवित्र आत्मा का ज्ञान के द्वारा हमें समझ में आएगा, समझ में आएगा। मैं बोलता हूं ये आप लोगों को ये सब वरदान आपका अंदर काम होगा। अच्छा, अभी दूसरी चीज ये है कि यहां पर लिखा है सबों को किसीम किसीम का वरदान देता है, वो सब पवित्र आत्मा का कार्य है। इसीलिए हम लोग दूसरे को कभी भी क्रिटिसाइज और उनको दूषण नहीं बोलना चाहिए। अभी समझो कि एक बोले हो, देखो वो कौन बड़ा आदमी है, वो तो हमेशा यही बोलते रहता है क्या वो अपने आप बड़ा समझता है क्या? ऐसा किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। वो जो कुछ भी है उनका अपना वजह से नहीं, पवित्र आत्मा का काम कर रहा है। तब हम लोग उनको क्रिटिसाइज करते वक्त पवित्र आत्मा को दुख हो जाता है, दुख हो जाता है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में निवास है वो पवित्र आत्मा दुख हो जाता है, तब हमारे अंदर का वरदान क्रियाशील नहीं होता है। फिर हमारे ऐसे सबों को प्रभु के लिए धन्यवाद देना, वो सब लोगों का अंदर जो पवित्र आत्मा जो वरदान करता है तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। देखो वो भाई को और वो बहन को कितना अच्छा वरदान है, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु। अच्छा, अभी इतना ही अभी काफ़ी है। अभी हम लोग एक प्रार्थना करेगा और आप लोग एक ग्रुप, कुछ देरी के लिए ग्रुप, फिर ग्रुप में आएगा
और अभी हम लोग वो ग्रुप में सिर्फ ये वरदान दर्शन का वरदान का प्रैक्टिस करेगा, दर्शन और उसको व्याख्यान, सिर्फ दर्शन देखना नहीं, सिर्फ दर्शन मिलेगा नहीं, वो प्रभु से पूछना है इसका अर्थ क्या है। रेडी, सब लोग खड़े होकर थोड़ा प्रार्थना कीजिए। अभी पवित्र आत्मा से बहुत वरदान वरदान हमें दीजिए, हे प्रभु पवित्र आत्मा वरदान दीजिए, सब वरदान मुझसे खुलिए। सब लोग ऊंची आवाज से स्तुति कीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे प्रभु पवित्र आत्मा, दर्शन वरदान दीजिए प्रभु पवित्र आत्मा, ईश्वर का शब्द सुनने का वरदान, ईश्वर का पवित्र आत्मा का द्वारा दर्शन मिलने का वरदान दीजिए। शाला हाला बाला हाला बाला हाला बाला। आइए अभी आपका वो ग्रुप ग्रुप बनाइए।